अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड शोबीज़ में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रही हूँ, वो खबर सुनकर लोग बहुत ही ज़्यादा हैरत का शिकार हुए हैं और बहुत से लोगों ने इन पर लान तान की है। बहुत से लोगों ने उन्हें इतनी ज़्यादा बातें की हैं कि वह इन सब बातों से डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे हाल ही में ऐसी तस्वीर शेयर की हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि क्या इन्हें ऐसी तस्वीर शेयर करनी चाहिए थी। आप इसका फ़ैसला करेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि एक्ट्रेस कौन है, इन्होंने किस किस के साथ काम किया है, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, और देंगे आपको इस वक्त तमाम तर तफसीलात। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने डायरेक्टर सैयद नूर साहब के साथ काम किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया और 1997 में यह शोबिज इंडस्ट्री में आ चुकी थी और लोगों के दिलों पर भी छा चुकी थी। सबसे पहली फिल्म इन्होंने संगम की थी जिसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया। उसके बाद इनको 2002 में अवार्ड से भी नवाजा गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, कदकाठ भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का रखती हैं और साथ ही साथ बहुत ही कमाल का पुरकशिश चेहरा रखती हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा लान तान का शिकार किया है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ और कोई नहीं है, वो हैं सैयद नूर। लोगों का कहना है कि कहने को तो इनके नाम से सैयद लगता है लेकिन इनकी हरकतें सैयदों वाली नहीं हैं। क्या उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं? उन्होंने जो हमारे साथ हाल ही में तस्वीर शेयर की है, इसमें वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तस्वीर शेयर की हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पिक्चर के अंदर वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसी तस्वीर है जिस पर लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन इस बारे में आप सबकी क्या राय है कि क्या इन्हें ऐसे अपनी तस्वीर शेयर करनी चाहिए थी या नहीं? बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये इनके शोहर हैं तो कम से कम वो पर्दा ही लगा लेती। अगर उन्होंने ऐसी तस्वीर ले ही ली थी तो हमारे साथ शेयर करने का क्या तुक बनता था? आपकी इस मॉडल, इस फिल्म स्टार के बारे में क्या राय है, हमसे अपनी कीमती राय के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।